हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम मीठी सेवई बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये सेवई खाने में बहुत बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस गर्मी में आप भी मसाले वाली चीज़ें खाकर परेशान हो गए हैं, तो एक बार ये मीठी सेवई ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म किया। कढ़ाई गर्म करके इसमें 4 बड़े चम्मच घी डाला है। घी को अच्छे से गर्म होने दें। घी गर्म हो जाए तो उसमें हम जो सेवई ली है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से भून लें। आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, हमारी सेवई अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सेवई को थोड़ा और भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे एक प्लेट में निकालने के बाद हमने 250 ग्राम दूध लिया है। जिस कढ़ाई में हमने सेवई को भुना था उसी में हम दूध को भी डाल देंगे और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसे एक दो बार चम्मच से चला लें और अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये सेवई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है और दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप शक्कर डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डाल सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो आप शक्कर कम डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने जो सेवई भून के रखी थी उसे भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दें। इसे ज़्यादा देर गैस पर ना रखें। इसके बाद हम इसे काजू और बादाम डाल देंगे और इसे अच्छे से सजा देंगे। ये देखिए, मैंने काजू और किशमिश को अच्छे से डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये हमारी स्वादिष्ट सेवई बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।